अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश। और मौसम बहुत प्यारा हो गया है हैदराबाद का, गर्मी थोड़ी ख़त्म हो गई है। आज का बहुत प्यारा मौसम है, और बारिशें होने के बाद तो वैसे ही अच्छा मौसम हो जाता है, और सब देखें ग्रीन ग्रीन, बहुत प्यारा लग रहा है छत का नज़ारा। और आज का मौसम वो ठंडा हो रहा है, शाम का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर छत पे। और बस मैं अकेली हूँ आज छत पे, क्योंकि रिजवान और बच्चे गए हुए हैं सब्जी वगैरह लेने बाजार, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और बस छत पे आई हुई थी, अपने लिए मैंने बनाई है चाय, और मैं चाय लेके हमेशा की तरह ऊपर आ गई थी। और देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है हैदराबाद का, लग रहा है बहुत तेज़ बारिश होगी। आप बताएं, आपको क्या लगता है इन बादलों से, क्या बारिश तेज़ होगी? और बताएं, हल्की हल्की बारिश तो हो रही है, जैसे हल्की हल्की बूंदें कहीं कहीं गिर रही हैं, और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और मैंने बनाई है अपने लिए चाय, और चाय में लेके आई हूँ ऊपर, और चाय के साथ अभी मैंने मंगाया है टक बिस्किट, क्योंकि मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ लेती हूँ अक्सर। मेरा है आदत शुरू से ना, चाय के साथ मैं बिस्किट या पापे, कुछ भी हो बस ज़रूर हो। आप बताएं, आप लोग कैसे चाय पीते हैं, और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? और हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में चाय पीना, पकोड़े खाना कितना अच्छा लगता है। लेकिन मैंने पकोड़े नहीं बनाए, क्योंकि जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन बनाए थे, लेकिन अब नहीं बनाए। और ये लोग अभी तक आए नहीं है सामान लेके, ये आ जाते तो ये भी अपनी चाय ऊपर ले आते। देखें नीचे क्या हो रहा है, नीचे तो सिर्फ बकरों की आवाज़ें आ रही हैं। आज बहुत बकरे हो गए हैं भाई, यहाँ पे कुर्बानी बिल्कुल करीब है। बस मुझे लगता है कि एक आध दिन या 2 दिन, हाँ इतवार की है शायद। हाँ अच्छा जी, यहाँ से देखते हैं कबूतर उड़ रहे हैं, जंगली कबूतर हैं ये जिन्होंने डेरा डाला हुआ है यहाँ पे। और मौसम बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है, बारिश का नज़ारा। और बारिश का मौसम तो मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों से बातें चल रही हैं, यहाँ हमारे सामने एक गाय आई हुई है, उसके लिए बारिश के लिए बांध दिया गया है कि बारिश उसके ऊपर ना गिरे। और बस मौसम ऐसे ही हो रहा है, बादलों का बहुत प्यारा हो रहा है। और ये देखें ग्रीन ग्रीन सारे धुल चुके हैं ये पौधे, क्योंकि रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और रात में व्लॉग शूट नहीं करा था, क्यों क्यों नहीं करा था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था काफ़ी, लाइट भी गई हुई थी, और मोबाइल से अच्छा बन भी नहीं रहा था, तो मैंने शूट नहीं करा। और मेरी चाय रखी हुई है सामने, चलें पीते हैं चाय, और चाय पीने के बाद मिलती हूँ आपसे। आज देखते हैं मैं क्या पकाती हूँ, जो भी पकाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। देखें वहाँ से तो बहुत काले बादल आ रहे हैं, देखें ज़बरदस्त हो जाएगी बारिश, क्या लगता है? अच्छा बारिश होती है तो लाइट फ़ौरन चली जाती है, मैं कहती हूँ लाइट ना जाए अगर बारिश हो रही है तो। लेकिन भाई क्या करें, बारिश के पहली बूंद ज़मीन पे गिरती है और वापडा वालों का हाथ बटन पे होता है कि चलो बंद करो। आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है? हैदराबाद में तो भाई ऐसे ही होता है। और बादलों का शोर शुरू हो गया है, मुझे लगता है बारिश आना शुरू होने वाली है। अच्छा ये कितना ज़बरदस्त लगता है ना खजूर का पौधा, अच्छा मुझे तो अच्छा लगता है। आप लोग बताएं, आप लोगों को ऐसे ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है? मुझे बहुत पसंद है ग्रीनरी। यहाँ सबके देखें सोलर प्लेट लगी हुई है ज़्यादातर, क्योंकि लाइट का इतना इशू है, तो सभी काफ़ी घरों में सोलर प्लेट लगी हुई है। देखें सबके तकरीबन ऑलमोस्ट, बस हमारे घर में नहीं है, बाकी सबके घर में है। ये देखें बिल्डिंग्स कितनी अच्छी लग रही हैं, ग्रीन ग्रीन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा मेरा ये व्लॉग, और पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपका बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। और रिक्वेस्ट ये करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि वॉच टाइम भी मिल सके हमें, और मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके। मुझे आप सब लोगों के साथ का, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, ताकि मैं आगे निकल सकूँ। मैं इस चैनल को कामयाब होता हुआ देखना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो बस जितना स्लो चल रहा है तो ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं देख पाऊँगी, लेकिन जब आप सब लोगों का साथ होगा तो शायद इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चैनल भी आगे ग्रो करेगा और
बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआओं के साथ। और देखें कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है, मैं तो आप लोगों को आज नज़ारे ही दिखाए जा रही हूँ, आप लोग बोलेंगे कहाँ खुद कहाँ गायब हैं ये, और बस ये दिखा रही हैं। और बस यहाँ मैं पी रही हूँ चाय, मैंने कहा चलें आप लोगों के सामने, मैंने बहुत बाहर का नज़ारा दिखा दिया मैंने, आप पीते हैं चाय और बिस्किट, आ जाएं जिस जिसने चाय और बिस्किट लेना है आ सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वो चाय पीने का अगर मूड है। बहुत मज़े की चाय बनाती हूँ मैं, इलायची वाली। आप लोग बताएं आप लोग कैसे बनाते हैं, मैं तो इलायची ज़रूर डालती हूँ चाय में ताकि चाय का मज़ा आता है, मुझे पसंद है। टक बिस्किट मुझे मज़े का नहीं लग रहा, मैं ज़्यादातर ज़ीरा क्लिक खाती हूँ या डाइट बिस्किट लेती हूँ। चाय मौसम के हिसाब से अगर हम बैठ के यूँ चाय पिएं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन चाय पीने का मज़ा सबके साथ है। आज ज़्यादातर घर पे कोई नहीं है, हुज़ैफ़ा ही घर पे है। हुज़ैफ़ा तुमने चाय पी ली क्या? मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हो, सर हिला रहे हो, आवाज़ ही नहीं आ रही। तुम आ जाओ मेरी वीडियो में, क्या है आज मेरी वीडियो में कोई भी नहीं आया पता है, बोलेंगे आज ये अकेली वीडियो बना रही है। तुम ही सलाम कर लो आज अब्दुलरहमान की जगह, अब्दुलरहमान सलाम कैसे करता है। चले मैं, हुज़ैफ़ा भी नहीं आ रहे हैं और मेरा भी हाथ दुख रहा है अकेले वीडियो बना बना के, और चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर कोई बारिश का व्लॉग बारिश होती है तो ज़रूर उसका व्लॉग भी बनाऊंगी, अगर सही मौसम सही टाइम पे बारिश होती है तो उसका व्लॉग बनाने में अलग ही मज़ा है, लेकिन अंधेरे में बनाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। तो चलें बनाते हैं, ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, आप लोगों से इजाज़त मांगती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।